स्टूडेंट ये हमारे पास एक स्टूडेंट डाउट है तो उन्होंने पूछा है कि हाउ मेनी एम ऑफ वन मोलर H2SO4 is needed to neutralize 10 mL of 1 molar of uh, MgOH twice. वन ठीक है कि हमारे पास वन uh, molar solution दिया हुआ है एच का और uh, उन्होंने पूछा कि उसकी कितनी volume required होगी अगर आपने 10 mL of ऑफ़ molarity का ही MgOH मतलब magnesium hydroxide का जो solution है उसको आपने न्यूट्रलाइज़ करना है ठीक है तो न्यूट्रलाइजेशन find out करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि acid base न्यूट्रलाइजेशन जो है वो चलती कैसे है? ठीक है मुझे पता है कि जो एच टू एस ओ फोर है ठीक है एच टू एस ओ फोर में एच पॉजिटिव आइन आएंगे तो हम इसको तोड़ लेते हैं एच टू एस ओ फोर में टू एच पॉजिटिव आइन देंगे ठीक है जो कि एसिडिटी का प्रूफ uh, है ठीक है कि एच टू एस ओ फोर में एच पॉजिटिव जो है वो एसिडिक बिहेवियर शो कर रहे हैं ठीक है और SO4 फोर टू नेगेटिव आइन आएंगे ठीक है और एम जी ओ एच ट्वाइव में से हमारे पास एम जी टू पॉजिटिव प्लस टू ओ एच नेगेटिव आइंस आएंगे ठीक है और ये ओ एच नेगेटिव आइंस जो है बेसिसिटी का प्रूफ है ठीक है तो इसमें होगा क्या ये जो एस फोर टू नेगेटिव है ये एम जी टू पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके एम जी एस ओ फोर बना देगा ठीक है और न्यूट्रलाइजेशन के लिए एच पॉजिटिव आइंस ओ एच नेगेटिव आइंस के साथ रिएक्ट करके वाटर फॉर्म कर देंगे ठीक है अब हमें एक चीज पता चल गई है कि टू मोल ऑफ एच पॉजिटिव आइंस जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं टू मोल ऑफ ओ एच नेगेटिव आइंस के साथ डन तो हम ये लिख सकते हैं टू मोल्स ऑफ एच पॉजिटिव आइंस न्यूट्रलाइज टू मोल्स ऑफ ओ एच नेगेटिव आइंस ठीक है अब हम मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा देंगे जब हमारे पास दो सोल्यूशन गिवन है सेम मोलैरिटी के तो हम वहां पे फॉर्मूला यूज करते हैं एम वन वी वन अपॉन एन वन इक्वल टू एम टू वी टू अपॉन एन टू ठीक है अब यहां पे एम क्या है दैट इज एम इज मोलैरिटी ऑफ दैट सोल्यूशन जैसे एम वन की बात कर रही हूं ये मोलैरिटी ऑफ एच टू एस फोर ठीक एम टू जो है मोलैरिटी ऑफ एम जी ओ एच ट्वाइस एंड वी वन क्या है वॉल्यूम ऑफ एच टू एस ओ फोर ठीक है और एन वन क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच टू एस ओ फोर ठीक है अब यहां पे हमें मेनली चाहिए क्या नंबर ऑफ मोल्स चाहिए एच पॉजिटिव आयन के ठीक है तो आप यहाँ पे एच पॉजिटिव आइन्स के मोल जो है वो ही करोगे ठीक है तो हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं मोलैरिटी यहाँ पे कितनी गिवन है मोलैरिटी एम जो है वो भी हमारे पास वन मोलर गिवन है M2 जो है वो भी हमारे पास वन मोलर गिवन है ठीक है V1 हमें फाइंड आउट करनी है V2 जो है 10 ml दी हुई है एन वन की वैल्यू जो है हमने फाइंड आउट कर लिया है कि टू मोल ऑफ एच पॉजिटिव आइन्स बन रहे हैं ठीक है और एन टू की वैल्यू जो है वो भी टू मोल ऑफ ओ एच नेगेटिव आइन्स आ रही है ठीक है तो आप वैल्यूज़ पुट कर दीजिए एम वन की वैल्यू वन इन टू वी वन आ गया अपॉन एन वन की वैल्यू टू है ठीक है इक्वल टू वन इन टू टेन एम एल आ गया क्योंकि हमें न्यूट्रलाइजेशन के लिए एम जी ओ एच टाइस का सोल्यूशन कितना दिया हुआ है टेन एम एल दिया हुआ है ठीक है और एन टू की वैल्यू कितनी आ रही है वो भी हमारे पास टू आ रही है ठीक है तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो V1 की वैल्यू क्या आ गई वन इन ml, टेन एम एल ठीक है इन uh, टू हमारे पास ये टू आ गया ओवर टू ठीक है मोल्स जो हैं, वो आपस में कैंसिल हो गए मोलैरिटी के यूनिट जो हैं वो आपस में कैंसिल हो गए सो so हमारे पास जो रिमेनिंग यूनिट रह गए हैं वो क्या है v1 वन इक्वल टू टू इज टू टू कैंसिल हो गया सो इट इज टेन एम एल हमें टेन एम एल ऑफ एमजी ट्वाइ सोल्यूशन न्यूट्रलाइज करने के लिए टेन एम एल ऑफ एच टू एस फोर ही रिक्वायर्ड है